है, घंटा घर पे चली गई है। भाई ट्रांसफॉर्मर की शूटिंग हो रही है यहाँ भाई, ऑप्टिमस प्राइम ऑन द वे टू द केदारनाथ। और यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, आई थिंक बहुत टाइम पहले के है, बट ये कैसे डंप किए यार, माय गॉड। एवरीवन वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और अभी जस्ट मैं केदारनाथ लैंड हुआ हूँ हेलीकॉप्टर से, मतलब मैंने एक्सपीरियंस बता नहीं सकता, इट्स रियली 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 ऑसम। अभी वेट कर रहा हूँ, मेरे तीन साथी हो रहे हैं, वो सेकंड ट्रायल में थे, तो दे आर कमिंग। एंड स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, क्या हुआ कैसे हुआ। एक्चुअली हमें आना कल था, बट हम आज ही आ गए। कल पूरी रात की नाइट ड्राइव रही हमने, ऑलमोस्ट 8 o'clock के आसपास गुड़गांव से ड्राइव स्टार्ट की, और लगभग 12:30-1 बजे के आसपास हम यहाँ पे जो फाटा करके जगह है इनकी, वहाँ हम पहुँच गए थे। एंड अभी जस्ट मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, तो आपको केदार दर्शन कराता हूँ। एंड ये मॉनसून राइड है हेलीकॉप्टर की, लगभग 3 दिन से वहाँ कोई किसी भी तरह की कोई राइड हो नहीं रही थी, 3 दिन से कोई राइड हो नहीं रही थी। एंड अभी जस्ट राइड स्टार्ट हुई, तो हम लोग मैं यहाँ पे हूँ एंड वो लोग भी आते हैं, तो उनके साथ भी मिलवाता हूँ आपको। धीरे धीरे चला, सांस चढ़ा दिखाओ, हाँ फुर्ती में दिखाओ। तीन भाई आ गए, अल्टीमेट यार अल्टीमेट। सुमित धीरे चल, है ना आगे दांत दिखाने, खाओ खाओ करनी है। तीनों भाई सुमित दीपक और जयवीर सिंह तेवतिया। अरे बाबा केदार, बाबा केदार हो गया। मैं आपको बता दूं, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हमने करा दिया था। मैं आपको लिंक बता दूंगा प्रॉपर, उसके बारे में सारी डिटेल्स दे दूंगा। अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, दिखा सुमित, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी था, तो हमको जस्ट ये टोकन मिल गया। अगर नहीं होंगे तो आपको फोटोज होंगी एंड आपके प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, अपलोड होंगे, लंबी लाइन लगने से बचेंगे। और अब देखो हम थोड़ी देर पहले आए थे और अब सीधा दर्शन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहेगी, आप बने रहो साथ। फोटो वगैरह हुई है, आप जाएंगे पीछे की तरफ, जो वैसे देख लिया होगा, ये वही पत्थर है जब 2013 की त्रासदी आई थी, जब ये ही एक विशाल पत्थर जो इस हमारे केदार बाबा की उस फ्लड से सेफ्टी की मंदिर की। कितना विशाल है, पता वीडियो में नहीं पता चलता कितना विशाल है, बट ये लेकिन रियली रियल में देखे ना तब पता लगा कितना विशाल है यार ये पत्थर। भाई अब एक न्यू श्री शंकराचार्य जी की समाधि के रूप में मोदी जी ने यहाँ पे एक स्टैचू शंकराचार्य जी को यहाँ पे अनवील किया था, तो ये जो मंदिर के पीछे का फेज है वहीं पे ही है शंकराचार्य की मूर्ति, तो हम उसकी तरफ ही जा रहे हैं, तो आपको दर्शन कराते हैं श्री शंकराचार्य जी का। चलिए, मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है एंड हमें वापस भी जाना है, देखो वापस जा पाएंगे या नहीं, या रात को रुकना पड़ेगा, दोनों में से कोई छः एक तो थोड़ा सा वॉक करते हैं ना।
ये है वो मूर्ति श्री शंकराचार्य जी की, देख लेंगे पूछ लेंगे कहीं पर। अभी तो जस्ट दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए भाई भाई, फिर चलेंगे देखो क्या होता है। कैसे फोन करो ना यार, तुम्हारा लाइन में स्टार्टिंग से ही है, देखो लाइन धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, ज्यादा लोग नहीं है वैसे, ज्यादा लोग आज कल ज्यादा नहीं है भीड़ है ना, जल्दी हो जाएगा। दर्शन कितनी देर में हो जाएगा? नहीं नहीं अभी कपाट में लोग जाएंगे, में लोग जाएंगे, बच गए 5 मिनट, बच गए बच गए, 5 बजे कपाट पे शाम को ज्यादा हर हर शंभो, डोली जाएगी पहले, सब हाँ हाँ पहले डोली जाएगी फिर हर हर। पालकी के साथ अंदर और भाई दर्शन अल्टीमेट, सुमित के तो लास्ट टाइम आए थे दर्शन नहीं हुए थे, भाई अल्टीमेट दर्शन यह कह रहा हूँ, मतलब इतनी इतनी ज़्यादा खुशी, एक बार वो बनवा लो मेरे लिए, चलो बोले बाबू चलो, हर हर शंभू हर हर शंभू, ओम नमः शिवाय। दर्शन 2-3 बाहर लाइन में लग के दर्शन के, बहुत कम लोग आए हुए हैं, बहुत कम। एंड ये चंदन का जो टीका लगवाया ना, इसे रियली बहुत बहुत ठंडा है यार चंदन का टीका, हम सभी भाइयों ने लगवाया। एंड अभी जा रहे हैं देखो हेलीपैड पे, अगर हमें वापस का हमारा बोर्डिंग होता है, नहीं आई थिंक हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, अगर वापस का बोर्डिंग होता है तो नीचे चले जाएंगे, नहीं थैंक यू सो मच भैया घोड़ा नहीं करेंगे, हेलीकॉप्टर से ही वापस जाएंगे। व्हाट अ प्लेस मैन, वो बहुत सारी वीडियोस में देखा था केदारनाथ धाम, एक्चुअली मैंने मिस किया था 2019 का, उस टाइम भाई आया था एंड मैं मनाली चला गया। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक तो पहली बार कल तो नहीं जा पाए बट लेकिन आज शायद लग रहा है मौसम काफी अच्छा है, उठ तो गए थे 5:30 बजे बट लेकिन अभी। हाय भाई सबको कैसा रहा, रात कैसी कटी सबकी? बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, अभी एक बार दर्शन करने जा रहे हैं फिर देखेंगे भैरू जी के चले या नहीं, देखते हैं मौसम तो साफ है, हेलीकॉप्टर की टाइमिंग भी सच गए कि हम भैरू जी के चले जाएं और फिर से दोबारा से हमें फ्लाइट ना मिले तो इशू हो जाएगा, तो सबसे पहले वही करते हैं निकलते हैं, ठंड काफ़ी अच्छी है, धूप भी आ रही है, अभी दर्शन करेंगे। कल रात को 4 बजे तक बारिश हुई थी, एक बार तो डर भी लग रहा था बट केदार बाबा का जब साथ हो तो दिक्कतें नहीं होती। कहा था कि हम यहाँ पे रुकेंगे बिकॉज जाने वाले थे, हमारी रिटर्न फ्लाइट थी चोपर में और मे भी शायद पता इसका कंक्लूज़न करूँगा मैं कि हर चीज़ जो होती है वो कुछ अलग होती है, डिफरेंट होती है और कुछ हो रहा होता है आपकी ज़िंदगी में, शायद आपके साथ भी अगर कुछ हो तो उन चीज़ों का अपना अलग अलग एक डिपेंडेबल डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है, कई कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं होती, बुरी नहीं होती। हुआ क्या कि शाम को वेदर ठीक नहीं था तो चोपर नहीं आया, हम रुके, हमने रूम वगैरह लिया क्योंकि हमने नीचे भी होटल लिया हुआ है, हम सोचे सेम डे आएंगे तो हमने नीचे भी होटल लिया हुआ है। बट आप यकीन करेंगे सुबह इतने अच्छे दर्शन, जैसे कल इवनिंग में जो दर्शन हुए सुबह हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए, जो गर्भशाला है जहाँ पे केदार जी बैठे हुए हैं, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, हम वहाँ पे अंदर गए एंड वी लिटरली मतलब मैस्मराइज, जो वहाँ पे फीलिंग आई सुबह, हम मॉर्निंग में अराउंड 6:30 के आसपास हमने दर्शन किए दोबारा से और उसके बाद से जैसा वेट कर रहे हैं कि वेदर थोड़ा क्लीन हो जाए। एक बार आप देखिए वेदर थोड़ा सा क्लीन हुआ है बट देखो अभी चोपर वगैरह स्टार्ट होंगे या नहीं तो फिर नीचे जाएंगे, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए एंड मॉनसून है, भीड़ बहुत कम है और बाकी अब देखो नीचे चल के देखते हैं क्या होता है।
इन द एंड सारे भाई जा रहे हैं बाबू भैरू की जय। बाबा भैरू के बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली हाँ टफ है चढ़ाई क्योंकि हमने कोई चढ़ाई की ही नहीं थी।